नमस्कार दोस्तों, भारत के लघु व्यवसायी सैकड़ों समस्या से पीड़ित है जिसमें मूल है अपना व्यवसाय चलाने के लिए ऋण प्राप्त करना। लोन शार्क उन्हें परेशान करते हैं और उनके लिए व्यवसाय चलाना एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली स्थित फिनटेक स्टार्टअप भारत पे के मालिक अश्नीर ग्रोवर ने इस स्थिति को व्यापक रूप से समझा और समाधान खोजने के लिए गंदे पानी का परीक्षण करने का फैसला। इससे भारत पे का जन्म और आज की इस वीडियो से इस कंपनी का उदय के बारे में है और कैसे अश्नीर ग्रोवर ने इसे 3 वर्षों में $3 बिलियन के उद्यम में बदल दिया और इसे आज देश के सबसे सफल यूनिकॉर्न बनाने में कामयाब है। अश्नीर लोकप्रिय टीवी शो शार्क टैंक के जज भी हैं। दोस्तों, मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है और मैं पेशे से एक कंपनी सेक्रेटरी लेकिन जुनून से एक एंटरप्रेन्योर। मैं देश के 100 से ज्यादा प्रमोटर से मिला हूं और इस रोमांचक यात्रा को आपके साथ साझा करने के लिए उत्साहित हूं। आप भी हैं ना दोस्तों, भारत पे एक B2B फिनटेक प्लेयर है जो व्यापारी को एक ही भारत पे QR कोड के माध्यम से सभी UPI एप्स से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाते हैं। इससे पहले गूगल पे, फोन पे आदि जैसी कंपनियां अपने बंद नेटवर्क के भीतर भुगतान रखती थी। इसका मतलब यह था कि फोन पे उपयोगकर्ता केवल उन व्यापारियों के भुगतान कर सकते थे जिन्होंने फोन पे स्वीकार किया था। इसी तरह गूगल पे, अमेज़न आदि के लिए इससे व्यापारियों को विभिन्न UPI ऐप से भुगतान स्वीकार करने के लिए कई कंपनियों के QR कोड का आवश्यकता होती थी। 2018 में भारत पे ने इस समस्या को हल करने का कोशिश की। उन्होंने छोटे व्यापारियों और SME को एक ही QR कोड का उपयोग करके किसी भी ऐप पर भुगतान स्वीकार करने की अनुमति दी। वह उस समय क्रांतिकारी थी। हालांकि बहुत जल्द सभी ने सभी भुगतानों के लिए एक ही QR कोड की पेशकश शुरू कर दी। तभी भारत पे ने ऋण देने का कदम उठाया। भारत पे सभी भुगतान ऐप जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम और 125 से ज्यादा अन्य UPI ऐप को स्वीकार करने के लिए व्यापारियों को केवल एक QR कोड की पेशकश करके भुगतान स्वीकृति को सरल बना दिया। उन्होंने बिना किसी लेन देन शुल्क के सभी व्यवसाय के लिए भुगतान स्वीकृति बिल्कुल मुफ्त कर दी। कंपनी भारत में ऑफलाइन व्यापारियों के लिए वन स्टॉप बिजनेस यूटिलिटी ऐप बनना चाहती थी। भारत पे के साथ अश्नीर की यात्रा पूरी तरह से आसान नहीं थी। कंपनी ट्रेडमार्क मुद्दों में उतरी जब वॉलमार्ट द्वारा वित्तीय पोषित फोन पे पे शब्द के इस्तेमाल को लेकर उनके खिलाफ अदालत में गया। हालांकि ये संदेह से परे साबित हुआ कि फोन पे अपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग अभियानों के माध्यम से पे शब्द के साथ एक द्वितीयक नाम नहीं बना सका और इसलिए भारत पे बिना किसी कानूनी प्रतिबंध के इसका उपयोग कर सकता है। अश्नीर ग्रोवर ने चतुराई से एक समस्या का समाधान प्रदान किया जो भारत में लंबे समय से मौजूद थी। समय की उनकी चतुर समझ और रणनीतिक दृष्टि भारत पे की सफलता का एक प्रमुख कारण है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।